भिंड जिले में लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है, जहां अतर सुमाम गांव में दो लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। ग्रामीणों की सूचना के बाद विधायक संजीव सिंह जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर दोनों ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया। ककाहरा गाँव में भी सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से चार लोगों को सुरक्षित निकाला गया और बाढ़ से जखमोली गाँव के हालात काफी खराब है। पूरे गाँव को खाली करा दिया गया है तो वहीं कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। चला बल्ला गए प्रशासन ने इन्हें रेस्क्यू करके बचा लिया है और अभी माननीय विधायक महोदय भी और कलेक्टर साहब भी तो यहाँ हेलीकॉप्टर भी बुलाया गया था, तो हेलीकॉप्टर भी था और बोट भी थी, लेकिन बोट द्वारा इनको निकाल लिया गया है और आगे जो दो तीन गांव है वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो अभी पूरे जिले में जो है संपर्क एक दूसरे जगह से नहीं हो पा रहा है। मैदा जो लाहार क्षेत्र से जोड़ रहा है वो तो भी पुल भरा हुआ है, पराइच का पुल भरा हुआ है, तो अभी केवल जो नेशनल हाईवे है वो खुला हुआ है, बाकी सब जगह जो रास्ते हैं वो बंद है। तो जो नदी से लगे हुए गांव थे उन ग्रामीणों से लगातार संपर्क में था और प्रशासन से भी लगातार संपर्क में था। ककाहरा ये अभी अतर सुमाम दो लोग नीचे की तरफ एक मंदिर में फंस गए थे, तो दो दिन से वहीं थे, तो कल रात से उनको निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो अभी सुबह से मैं सुबह 5:30-6 बजे यहाँ आ गया था, तो पूरी सभी प्रशासन से लगातार संपर्क में था। तो आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है और हेलीकॉप्टर भी आ गया था रेस्क्यू करने के लिए, तो उन दोनों लोगों को निकाल लिया गया है। अब ककाहरा में तीन लोग हैं, उसके बाद जखमोली, टहनगोर और ढाकापुरा उधर भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, ये टीम वहां भी लेकर जा रहे हैं। तो